गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून वंस अगेन ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री लेसन वन। द नेम ऑफ द लेसन द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। बेटा इन दिस लेसन वी विल डिस्कस अबाउट द नेशनलिज्म। व्हाट इज नेशनलिज्म एंड हाउ इट इज पॉसिबल इन यूरोप एंड फ्रांस आल्सो अदर कंट्री आल्सो। तो हम लोग यहाँ मेनली रिवाइज तो हम लोग मेनली हम लोग इसको अप्रैल या मई मंथ में इसको पढ़ चुके हैं हम लोग, लेकिन अकॉर्डिंग टू द पीटी एग्जामिनेशन वी विल रिवाइज ओनली टुडे। ओके, क्वेश्चन आंसर या फिर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आल्सो। ओके, सो यू विल बी रेडी। बेटा आप ध्यान से सुनिएगा। अब तो यहाँ से मैं बुक का पिक्चर दिखाऊंगा आप लोगों को कैमरा स्विच करके, तो ये चूंकि ये लंबा टॉपिक्स है तो थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन रिवाइज नहीं हो पाएगी। इसलिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आप लोगों को एग्जामिनेशन में काम आते हैं, बार बार बोर्ड एग्जामिनेशन में आते रहते हैं, पूछते रहते हैं क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशन में, मैं वैसे क्वेश्चन को रिवाइज करूंगा। आप लोग जो अगर पढ़े होंगे रिवाइज किए होंगे तो आप लोग उसको बताना, हमको रिप्लाई कीजिएगा, अदरवाइज मैं पिक्चर क्लिक करके सेंड कर दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा। ओके ओके ना, आर यू लिसनिंग मी? ओके ओके बेटा, तो मैं आज कर रहा हूँ फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द प्रिंटिंग ऑफ फ्रेडरिक सेरू। फ्रेडरिक सेरू का एक पिक्चर है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ बुक में, लेसन फर्स्ट के फर्स्ट पेज में दिया हुआ है, आप लोग इसे कैमरा स्विच कर रहा हूँ आप देख लीजिए। तो इसका मतलब क्या है इस फिगर का, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर। आपको पिक्चर साफ दिखाई दे रही है? ओके, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस पिक्चर। ऑप्शन में है डेमोक्रेसी, मोनार्की, सोशलिज्म, कैपिटलिज्म, नन ऑफ दिस। डेमोक्रेसी, वेरी गुड वेरी गुड, डेमोक्रेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप लोग को एक आंसर रिप्लाई कीजिए, बाकी लोग आंसर सुन लिया कीजिए आपने में, ठीक है? डेमोक्रेसी इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच रिवोल्यूशन अकर्ड इन। फ्रेंच रिवोल्यूशन जो क्लास नाइन्थ में हम लोगों ने पढ़ा है वो कब हुआ था? 1788, 1789, 1790, 1791। 1789, वेरी गुड, सही आंसर आप लोगों का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड, हु सेड दीज वर्ड्स। किसने कहा था जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को खांसी हो जाती है, इस वर्ड कौन? मैटरनिच, वेरी गुड मैटरनिच, गुड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट जर्मनी वाज यूनिफाइड इन। जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था? 1871। ओके ओके, हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन इंपरर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन के बाद जर्मन का राजा कौन बना? द पर्सियन किंग विलियम फर्स्ट, द पर्सियन किंग विलियम सेकेंड, द चीफ मिनिस्टर ऑफ ऑटो वन बिस्मार्क, लेलिन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ 17th सेंचुरी के मिडिल में इटली वाज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। इटली कितने भागों में डिवाइड था? 7, 7, 6, 7, 6, 5, 8, 7, वेरी गुड, 7 स्टेट होगा बेटा, गुड। तैयारी हो रही है आप लोगों की, जम के आप, मैं खुश हूं आप लोगों को तैयारी से, तैयारी कीजिए ऐसे ही जाके आप लोगों को बोर्ड का एग्जाम देना है। ओके ओके, नेक्स्ट
बेटा नेटवर्किंग प्रॉब्लम होगा या तो आपके यहाँ से या फिर हमारे यहाँ से, ठीक है? क्योंकि मेरे यहाँ तो 90-80 करीब KB है, तो हमारे यहाँ से लगभग नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा आप लोग अपना नेटवर्क देख लीजिए कितना परसेंट है, कितना मतलब दे रहा स्पीड। ओके ओके बेटा, मैं इसका रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इस वीडियो का रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मैं आपको ग्रुप में सेंड कर दूंगा, आप देख सकते हो वहां से। ओके डोंट वरी। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द वियना कांग्रेस हेल्ड? वियना कांग्रेस, वियना की संधि कब हुई थी? 1815, 1845, 1885, 1918। क्या होगा बेटा? 1815, वेरी गुड, 1815, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट कि यंग इटली, द सेक्रेट सोसाइटी ऑफ इटली, यंग इटली नामक एक वहां पर संस्था थी, ऑर्गेनाइजेशन थी, जिसका नाम था यंग इटली, जो कि वहां की सेक्रेट सोसाइटी थी, तो इसको किसने सेटअप किया था? गैरिबाल्डी, कैवोर, मेजनी और विक्टर इमेन सेकेंड। मेजनी, MAZZINI, मेजनी। ओके चलिए मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार मैं पहले पूछ चुका हूँ। हु सेड व्हेन फ्रांस स्नीज द रेस्ट ऑफ यूरोप कैच कोल्ड? मैटरनिच, गुड, वेरी गुड। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग बिकम द फीमेल एलगोरी ऑफ द जर्मन नेशन? इसमें से कौन सी औरत जो है जर्मन नेशन, जर्मेनिया, वेरी गुड, जर्मेनिया। याद कर रहे हैं कि चिट कर बोलता रहे हैं? नो ना, प्रगति गुप्ता बोल रही है, नो सर, चिट कर रही है। प्रगति गुप्ता है ना, इसमें ज्वाइन किए नहीं? ओके, लग रहा है चिट कर रही हो। ओके ओके, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनसुला? इसमें से कौन सा जो विच ऑफ द फॉलोइंग पावर्स वाज नॉट इंटरेस्टेड इन बाल्कन पेनसुला की जो वार हुई थी, उसमें से कौन सा रीजन जो है इंटरेस्टेड नहीं था? इंग्लैंड, जर्मनी, रशिया एंड जापान। जापान, वेरी गुड, वेरी गुड, जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नोन एज द कैडल ऑफ सिविलाइजेशन? इसमें से कौन सी कंट्री है जो कैडल ऑफ सिविलाइजेशन के नाम जाना जाता है, सभ्यता की खोज? इसमें आपका है इटली, इंग्लैंड, फ्रांस और ग्रीक। ग्रीक, वेरी गुड, नहीं ग्रीक सही बेटा, ग्रीक आंसर है, राइट आंसर। ओके अब देखिए, इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, मैं अब बोल दे रहा हूँ, आप लोग सुन लीजिएगा, उसको जो है फेयर में राइट कर नहीं किए तो कर लीजिएगा, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में हम लोग को, देखिए हम लोग को पीटी, हाफ फेयरली और ये सीटी तो देना ही देना है, बट हम लोग को मेन फोकस बेटा करना है बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, चाहे वो बोर्ड एग्जामिनेशन ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो हमारी टारगेट जो है बोर्ड होना चाहिए, क्योंकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए पढ़ रहे हैं, बोर्ड एग्जामिनेशन में हमको अच्छा करना है, इसलिए हम लोग बोर्ड को अपने गोल को रखते हुए हम तैयारी करेंगे। ऐसा नहीं कि और पीटी का जो टॉपर क्वेश्चन उसको याद करेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। हमें टॉपर क्वेश्चन नहीं देखना, हमको सभी क्वेश्चन को टच करना है और बढ़िया से टच करना है, ताकि हमें बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे अंक से प्राप्त होना है। क्योंकि मैं 3 वर्ष से देख रहा हूँ अपने विद्यालय में कि नियर अबाउट 80% प्लस SST का मार्क्स सबका जा रहा है। क्योंकि मैं बार बार आप लोगों से कहा भी हूँ कि साइंस मैथ तो पढ़ना जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि लेकिन आप उसको कितना भी पढ़िएगा वो आपको परसेंटेज लो ले जाएगा, लेकिन SST में थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, SST और हिंदी में, तो आपको 80+ पहुंचाएगा, जो आपको परसेंटेज बनाने का काम करता है। ओके, इसलिए आप बारीकियों को समझने का प्रयास करेंगे SST और हिंदी का। ओके, क्या आप सुन पा रहे हैं मेरी बात? सुन रहे ना? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज फ्रेडरिक सेरियू? फ्रेडरिक सेरियू कौन थे? तो फ्रेडरिक सेरियू एक जो थे पेंटर्स हैं, आर्टिस्ट हैं, जिन्होंने की डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स का एक इमेज अपने मन से बनाया था। ओके, जो जो पेज के फर्स्ट पेज में
हाँ दिया हुआ है, 31 थे। व्हाट इज अ नेशन स्टेट, नेशन स्टेट क्या है, व्हाट इज अ नेशन स्टेट, तो स्टेट इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन एंड रूलर्स डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, शेयर हिस्ट्री और डिसेंट। यानी कि वह स्टेट, वह नेशन जहाँ के सभी नागरिक, जहाँ के सभी सिटीजन्स इक्वालिटी का मतलब अधिकार रखते हैं, और वहाँ के रूलर्स या सिटीजन जो है सेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि सबकी अपनी अपनी अलग अलग पहचान एक कंट्री के नाम से होती है, तो वैसे कंट्री को बोलते हैं नेशन स्टेट। ओके, राष्ट्रीय राज्य बोलते हैं उसको। ओके, नेशन स्टेट। एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लेसन से, व्हाट वाज द ट्रेटी ऑफ वियना, वियना की ट्रेटी से क्या आप समझते हैं, वियना की ट्रेटी क्या है। तो जब वहां ऑस्ट्रिया, पर्सिया, रशिया, ब्रिटेन, इसमें चार पांच जो है पावरफुल कंट्री जो है एक साथ होकर के एक संधि हुई थी। ट्रेटी मतलब संधि, TREATY मतलब संधि, यानी किसी मुद्दा को लेकर, किसी पॉइंट को लेकर के आपस में डिस्कस करके जो है समझौता करना, कह सकते हैं इस तरह से तालमेल करना, एक संधि होती है कि हम इस पॉइंट से, देखे ना कभी कभी संधि हमारे पाकिस्तान इंडिया में हुआ करती है, वार्तालाप हुआ करती है। उसी प्रकार जो है फ्रांस यूरोप की क्रांति में चार पांच जो कंट्रीज हैं, जिसमें ब्रिटेन है, रशिया है, पर्सिया परसा है और ऑस्ट्रिया है, इनके बीच में एक संधि हुई थी वियना में। वो आपको हुई थी 1815 में। कब हुई थी, 1815 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं पिक्चर क्लिक करके सेंड करूंगा तो आप लोग उसको लिख लीजिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ना कि PTCT के लिए। ओके, वेरी गुड। और बता दे रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चंस है, ये लेसन हिस्ट्री का है, बाकी सब लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग शॉर्ट क्वेश्चन का मैंने आप लोगों को पिक्चर भेज दिया है, आप लोग नोट कर लीजिएगा फेयर में बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, ठीक है ना। मैं जिन क्वेश्चन को पिक्चर क्लिक करके सेंड करता हूँ, उसमें अगर टिक करता हूँ पेंसिल से या पेन से, तो आप वैसे क्वेश्चन को एकदम एकदम लिख लीजिए और याद कर लीजिए। मैं वही क्वेश्चन टिक लगाता हूँ जो थोड़ा सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ओके, तो मैं दोबारा फिर सेंड कर दूंगा, वैसे क्वेश्चन को आप लोग जो टिक लगाए होंगे उसको राइट कर लीजिएगा। अब मैं चलता हूँ हिस्ट्री में। हिस्ट्री में आप लोग क्या पोजीशन है, मैं देख लेता हूँ, चूंकि हिस्ट्री में एक दो हफ्ते पहले रिवाइज करा चुका है ना, आप लोग याद किए कि नहीं, हिस्ट्री देख लेते हैं। क्योंकि आप लोग हिस्ट्री का जो से बताया मैंने सिलेबस की लेसन 1 और क्या है 2-3 नहीं है, तो मैंने 2-3 को भी रिवाइज करा दिया है PT1 के लिए, बट बोर्ड एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप घबराना नहीं, आप उसको भी देख लीजिएगा। चलते हैं हम बोर्ड एग्जामिनेशन, सॉरी, तो चलते हैं ज्योग्राफी में। आप ध्यान दीजिएगा, विच कैन रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिबिलिटी। आप जानते हैं कि हम रिसोर्स को कई कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू द एग्जिस्टिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द ऑनरशिप, अकॉर्डिंग टू द मतलब कई तरह के 6 कैटेगरीज हैं, है ना। तो हम बताते हैं कि हाउ कैन बी रिसोर्स या हाउ कैन द रिसोर्स बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एग्जिस्टिबिलिटी, समाप्त होने के अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड करते हैं, कौन कौन ने बताइए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स, इसमें से कौन सा एक बायोटिक रिसोर्स का एग्जाम्पल है, लैंड, वाटर, ह्यूमन बींग्स, रॉक। ओके, बेटा मैं बताया हूं कि जितने भी लिविंग बींग्स हैं वे सभी क्या हैं, बायोटिक रिसोर्स हैं, और जितने भी नॉन लिविंग रिसोर्स हैं वो अबायोटिक रिसोर्स हैं। देखिएगा, लैंड, वाटर, रॉक सब नॉन लिविंग है, बट ह्यूमन बींग्स क्या है, बायोटिक रिसोर्स है। ओके, चलिए एक और क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए बोर्ड में कई बार आ चुका है, देयर इज इनफ फॉर एवरीबॉडी नीड एंड नॉट फॉर एवरीबॉडीज ग्रीड, हु सेड दीज वर्ड। मैं जब पढ़ाया था ऑनलाइन तो आप लोगों को एक बार था कि किसने कहा था कि रिसोर्स सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए काफी है, बट एक भी लालची व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए कम है, किसने कहा था,
महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ओके वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक स्पेस इज द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एंड इम्पोर्टेंट सॉइल ऑफ इंडिया, इंडिया में सबसे अधिक और इम्पोर्टेंट सॉइल कौन सी है? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन? ब्लैक सॉइल। ऑप्शन दे देना बेटा, ऑप्शन लेने के बाद आंसर दीजिए। एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल? तो ब्लैक सॉइल इज राइट आंसर। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, द सॉइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मैश्योर, नमी अधिक रखने वाली मिट्टी किसको? नो, ऑप्शन 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 सुनिए, एल्यूवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल? नो, रॉन्ग आंसर। राइट आंसर इज लेटराइट सॉइल। क्या? लेटराइट, LATERITE। द सॉइल्स आर वेल नोन फॉर देयर कैपेसिटी टू होल्ड मैश्योर, नमी को अधिक देर तक रखने वाला। तो एलुवियल सॉइल नहीं होगा, ब्लैक सॉइल भी नहीं होगा, रेड भी नहीं होगा, इसमें होगा लेटराइट सॉइल, ऑप्शन नंबर डी। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैंक स्पेस टेक्स प्लेस व्हेन द रनिंग वाटर कट्स द डीप रेवेंस इन द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, यानी कि जब पेड़ पौधे या वेजिटेशन के अभाव में जब रनिंग वाटर से मिट्टी कटता है उसे क्या कहते हैं? वाइंड इरोजन, वाटर इरोजन, सीट इरोजन और गिल इरोजन? गुल्ली रोजन, डी ऑप्शन, GULLY, गुल्ली रोजन। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज ब्लैक सॉइल फाउंड, किस स्टेट में ब्लैक सॉइल अधिक पाया जाता है? जम्मू कश्मीर, गुजरात, राजस्थान, झारखंड? गुजरात, क्योंकि मुझे याद है कि जब मैं ज्योग्राफी पढ़ा रहा था तो मैप में आप लोगों को दिखाया था ना, तो गुजरात, गुजरात इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिन्यूएबल रिसोर्स, इसमें से कौन से रिन्यूएबल रिसोर्स नहीं है जिसको रिन्यू नहीं कर सकते हैं? सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फॉरेस्ट, फॉसिल फ्यूल? फॉसिल्स फ्यूल जो हम लोग निकालते हैं, इससे कोल वगैरह हो गया, पेट्रोलियम वगैरह हो गया, उसको बोलते हैं फॉसिल फ्यूल। ओके ओके गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज नोन एज रेगुर सॉइल, इसमें से किस सॉइल को रेगुर सॉइल बोलते हैं? ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, लेटराइट सॉइल, एरिड सॉइल? ब्लैक, ब्लैक सेल। ओके तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव पीटी के लिए, बट इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए इस लेसन से आपको बता दे रहा हूं कि बोर्ड एग्जामिनेशन में 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन आने तय हैं। 1-2 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहेगा, एमसीक्यू रहेगा, 2 से 3 नंबर का रहेगा शॉर्ट आंसर, जिसमें आपको 4 या 5 लाइन में, जैसे व्हाट इज रिसोर्स, गिव टू एग्जाम्पल, हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ रिसोर्स, ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स अकॉर्डिंग टू द एग्जस्टिबिलिटी, अकॉर्डिंग टू द ओरिजिन, अकॉर्डिंग टू द ओनरशिप, इस तरह से क्वेश्चंस आपके यहाँ रहेंगे। ठीक है, तो ओनरशिप से क्या होता है? अकॉर्डिंग टू ओनरशिप में होता है आपका पर्सनल, घर बाई भी नहीं बोल रहा हूँ, रिसोर्स की प्रकार वो क्लासिफिकेशन बोल रहा हूँ। ये होता है नेशनल रिसोर्स, इंटरनेशनल रिसोर्स, सॉरी उसे बोलते कम्युनिटी रिसोर्स या इंडिविजुअल। तो 4 प्रकार के होते हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स में आ गया वही आप जो बोले, बाइक, लैंड, हाउस,
कार ये सब होता है, कम्युनिटी रिसोर्स में हो गया आपका खेल का मैदान, ब्यूरिड प्लेस कब्रगाह शमशान घाट बोलते हैं उसको, नेशनल में आ गया आपका रिवर माउंटेन्स, ओके इस तरह से, और इंटरनेशनल में हो गया आपका एयर वाटर सन, ये सब इस तरह के रिसोर्सेस है उसको क्लासिफाइड करते हैं। तो ये आपका आता है 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में, ठीक ना। इसे एक और चीज आता है क्वेश्चन में वो करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाएगा। अब बताइए व्हाट इज द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया, इंडिया की पूरा ज्योग्राफिकल एरिया कितनी है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, ओके ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ये तो एकदम कॉमन क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है, विच सॉइल इज आइडियल फॉर ग्रोइंग कॉटन, ब्लैक सॉइल, ओके। नेम एनी 2 क्रॉप्स एसोसिएटेड विथ लेटराइट सॉइल, लेटराइट सॉइल में कौन सी 2 क्रॉप्स होती हैं, बेवरेज प्लांट है टी एंड कॉफी जो असम में ज्यादा पाई जाती है, टी एंड कॉफी ये हाँ लेटराइट सॉइल में ही सब होती है, जहां पर तुरंत क्या होता है पानी जो है वो निकल जाता है लेकिन नमी वहां रहती है, नमी को मतलब मैसूर को होल्ड रखता है काफी देर तक। इस तरह से हम ये लेसन से आप देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आएगा व्हाट इज बैड बैड लैंड, बैड लैंड किसे कहते हैं, बी ए डी बैड, व्हाट इज बैड लैंड, तो जाहिर सी बात है जो हाँ की सॉइल इरोजन हो चुकी है और वो जो है फर्टाइल सॉइल से बैरन हो चुकी है ना, उसे बोलते हैं बैड लैंड्स। इट इज अ लैंड विच अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन, बस सिंपल एग्जाम्पल सिंपल डिफिनेशन, इट इज अ लैंड विच इज अनसुटेबल फॉर कल्टिवेशन, जो कल्टिवेशन के लायक नहीं है, जहां की जो एल्यूवियल सॉइल जो है इरोज हो चुकी है, ओके तो ये था आपका बेटा फर्स्ट लेसन ज्योग्राफी का जो कि आपके सिलेबस में है। एक और आता है व्हाट इज द सॉइल कंजर्वेशन, सबसे इंपॉर्टेंट वेरी गुड क्वेश्चन, जीरो क्वेश्चन है सेशन का, व्हाट डू नो अबाउट कंजर्वेशन, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, ठीक है, व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स, जब कंजर्वेशन वर्ड से क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 या 5 मार्क्स एकदम आने अनिवार्य है, आप एक मन में सेट कर लीजिए कंजर्वेशन वर्ड से आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो 3 मार्क्स का है या 5 मार्क्स का है, व्हाट इज सॉइल कंजर्वेशन, व्हाट इज अ कंजर्वेशन, व्हाट इज द नीड ऑफ कंजर्वेशन, ठीक है, या व्हाई डू वी नीड अ कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो इस तरह क्वेश्चन अवश्य रहेंगे, आप लोग इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ओके नोट कर लीजिएगा बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, फिर मैं रिवाइज कराऊंगा, अभी टेंशन नहीं लेना है, बट आप लोग माइंड में सेट कर लीजिए, ओके। तो ये था लेसन फर्स्ट, लेसन सेकेंड थोड़ा सा हम हल्का सा देख लेंगे बोर्ड पीटी के लिए, क्योंकि हालांकि पीटी से इसको निकाल दिया हूं लेकिन जानना जरूरी है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसमें कुछ क्वेश्चन जो है, वेन वाज टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च, वेन वाज द टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च, टाइगर प्रोजेक्ट कब लॉन्च किया गया था, इसका सटीक आंसर है आप लोग बुक से देख लीजिएगा, 1973 क्या होगा, 1973, ओके। और नेक्स्ट है जो हमने पढ़े हैं क्लास 9th में, वेन वाज इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इम्प्लीमेंटेड, भारत में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब लागू किया गया, ये होगा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ और 73 में प्रोजेक्ट टाइगर जो है लॉन्च किया गया, ओके इसको देख लीजिएगा आप लोग, चलता हूं मैं पॉलिटिक्स चलता हूं।